सभी खाते हैं हम आज जो आप आज एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो लेक्चर है ठीक है ब्लड के बारे में असान बर्दाश्त ब्लड के बारे में तो ब्लड की देखने के चाहे ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू ही जो को है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू हुआ ठीक है ब्लड चाहे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू सही है मतलब ये समान कनेक्टिव टिश्यू मतलब कितना टिश्यूज मिलकर पानी में कनेक्ट ठीक है डब्ल्यूबीसी थी आरबीसी ब्लड वगैरह ठीक है ये मिलकर एक ब्लड चाहिए ना है इन्हें के इन्हें जो करें तो क्या चाहते हैं ना हम कनेक्टिव टिश्यू की ना मोर डेंसर एंड स्टिकी देन वाटर कि वो पानी हो दो आप पानी का थोड़ा घाटो हो दो ऐसे क्यों हुआ तो ठीक है इन्हें के ऐसा लिखा है ना डेंसर एंड मोर डेंसर एंड स्टिकी देन वाटर के नाम की स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर पीएच ऑफ ब्लड इज 7.3 टू 7.5 स्लाइटली अल्कलाइन है कहां सो जो पानी की पीएच है उन खा में थोड़ी ही पीएच का वजह हो गया है तो बड़ी हो गया 7.3 टू 7.5 ब्लड जी पीएच हो गया टेंपरेचर ऑफ ब्लड इज 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर जो है जो 38 हो गया है स्लाइटली ग्रेटर देन बॉडी टेंपरेचर असल बॉडी टेंपरेचर जो देखो बॉडी टेंपरेचर होता है ना थोड़ा वधिक हो गया इन्हें के हो गए 38 डिग्री सेंटीग्रेड ब्लड का टेंपरेचर हेमेटोलॉजी हेमेटोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ अबाउट ब्लड ब्लड की का साइंटिफिक स्टडी ऐसा नाम ठीक है उन्हें शांति नाम हेमेटोलॉजी हाने चाहे फंक्शन ऑफ ब्लड ठीक है तो ब्लड जो देखो आप फंक्शन जो है ब्लड की फंक्शन का जो उन्हें जैसे बॉडी में कम जो है ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड जाने के थ्री फंक्शन है प्रोटेक्शन रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन ब्लड क्या करता है एक है रेगुलेशन रेगुलेट करेगा जो देखने टेक ट्रांसपोर्ट करेगा सॉरी ट्रांसपोर्ट तो जो प्रोटेक्शन करेगा एंड ट्रांसपोर्ट में क्या होती है ट्रांसपोर्ट में गैसेस गैसेस के ट्रांसपोर्ट करेगा ठीक है होती है ऑक्सीजन से में कार्बन डाइऑक्साइड में गैसेस चीजें आसान जो है ब्लड में ट्रांसपोर्ट की है ठीक है की है ब्लड जो ट्रांसपोर्ट करेगा बॉडी टिश्यू का सेल दे ठीक है आसान सेल्स में जो है गैसेस जी का एक्सचेंज थी दिया हुआ भी के थ्रू थी दिया ब्लड के थ्रू दिया ब्लू आर न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा असान जो ब्लड करेगा ग्लूकोज दियो विटामिन वगैरह थे ठीक है जेके न्यूट्रिएंट्स असान जी बॉडी में सेल तक पहुंचे टिश्यू तक के अंगन तक के पहुंचे वो के करेगा ब्लड करेगा ठीक थर्ड पॉइंट का हार्मोन्स हार्मोन टीएसएच एफएसएच आईएसएच जेके भी हार्मोन्स असान बॉडी में वे जेके उन्हें भी ट्रांसपोर्ट के करेगा ब्लड करेगा रिमूव वेस्ट जेके वेस्ट मटेरियल्स वगैरह होता है असान बॉडी में दूसरा इतना सेल वगैरह ठीक है वे भी उन्हें जी का रिमूव करेगा असान बॉडी का वो भी ब्लड के थ्रू है एंजाइम्स एंजाइम्स जेके के असान बॉडी में ठीक है वे भी जेके पेट्रिया के जूस के थियो ये देखिए ये भी ब्लड के थ्रू ही असान जा ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट होते हैं सेकंड पॉइंट है रेगुलेशन हां ब्लड क्या करेगा रेगुलेट करेगा पीएच प्रोटेक्शन हाँ थर्ड पॉइंट ऑफ प्रोटेक्शन असल बॉडी जेका भी है उन जो प्रोटेक्शन जेका है ब्लड के अंदर है क्लोथिंग ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स जेका है असल जा बॉडी की जेका प्रोटेक्शन करे ना कोई भी कट वगैरह लग जा उन में ठीक है तो ब्लीडिंग थी या वो प्लेटलेट्स अच्छी पानी ऊंचो थे ना उन जगह पे कट वाली इंफेक्शन जगह पे वो जो ब्लीडिंग थे ना रोकी ना वो ऐसा करेंगे ना प्रोटेक्शन करेंगे ताकि ब्लड वहे ना सही है ब्लीडिंग ना थे बी पॉइंट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंफेक्शन बाय डब्ल्यूबीसी ये ता पढ़े वाला डब्ल्यूबीसी जी कैन वाइट ब्लड सेल्स असा जा बॉडी ये कोई भी फॉरेन पार्टिकुलर इंदवा कोई कुछ भी इंदवा ठीक है बैक्टीरिया वगैरह वायरस वगैरह तो उन सा जो का फाइट कर दो ठीक है और देख तो डब्ल्यूबीसी जी को ब्लड जो सेल आ हां देखो ब्लड आ असा प्रोटेक्शन करा दो डब्ल्यूबीसी ये थ्रू ठीक है तो फाइट कर दो फॉरेन पार्टिकुलर सा वो भी आना ऐसा चाहती हो देखो फंक्शन है ब्लड जो प्रोटेक्शन करे कोई पॉइजन पार्टिकुलर वगैरह से बॉडी में तो ब्लड जो प्रोटेक्शन करे